देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदतन भ्रष्टाचारी है, इसलिए उसे हर जगह भ्रष्टाचार दिखेगा। कोरोना के काल में हमारी सरकार ने लोगों को राहत देने को पहली प्राथमिकता रखा। सरकार का पहला उद्देश्य था लोगों को दवाई, पानी, तमाम तरह बेड, ऑक्सीजन, तमाम तरह की चीज़ें उपलब्ध। लोगों का जान बचाना पहली प्राथमिकता थी। यह दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह भ्रष्टाचार करती है। दरअसल पिछले 15 साल में उन्होंने किया क्या, उनके मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के निर्णय करनी पड़ी थी, कमीशन खोली बंद कर दी। ऐसी मानसिकता वाले लोग हर जगह भ्रष्टाचार ही खोजते हैं। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल और उसके पहले से लेकर के उनके दवा खरीदी को लेकर के, इक्विपमेंट खरीदी को लेकर के, बाकी जो व्यवस्थाएं को लेकर के लगातार सत्र के हम विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाए हैं और बाहर भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार वहां पर है, करोड़ों रुपए का वहां पर हेरा फेरी किया जा रहा है खरीदी के नाम पर, और उसके कोई हिसाब भी उनके पास में नहीं है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति चरमराई हुई है। कोरोना काल को उनके अधिकारियों के द्वारा आपदा को अवसर में बदलने का काम किया गया। जो पैसा राज्य सरकार की, जो पैसा केंद्र सरकार की, जो काम आनी चाहिए कोरोना काल में, उसमें भी भ्रष्टाचार से अधिकारी नहीं चुके। यदि इनके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे तो आगे भी ये इसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि संपूर्ण इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करने के बाद में कार्रवाई करनी चाहिए।